तो देखा जाएगा कि लाइन वाटर मिल्की हो गया क्यों हुआ क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया सी आई राइट द इक्वेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सी एच होल्ड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलकर फॉर्म करता है सी ए सी ओ थ्री और सी ए सी ओ थ्री की वजह से मिल्किनेस अपियरेंस मिल्कीनेस अपीयर हुआ वी हैव डिस्कस इन न्यूट्रिशन वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन लास्ट सेक्शन तो इसमें क्या होता है न्यूट्रिशन में कि फाइनल प्रोडक्ट्स क्या था कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक हो गया प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में ब्रेक हो गया फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो गया अब इससे एनर्जी चाहिए तो इससे एनर्जी कैसे मिलेगा ग्लूकोज से जैसे एनर्जी मिलता तो रेस्पिरेशन क्या है ब्रीदिंग मतलब टेकिंग इन एयर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन क्या है रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं ब्रीदिंग के टाइम पे, वो बॉडी के ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है तो द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच आउट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है सी इट इज रिटर्न द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल इन अ थ्री कार्बन मोलिक्यूल कॉल पायरो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सी सिक्स एच टूवेल्व ओ सिक्स ये ब्रेक होकर एक थ्री कार्बन सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है पायरोवेट और यह रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है सी इट इज रिटर्न ग्लूकोज सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल वो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होता है अब ये जो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल पायरोवेट है ये अलग अलग तरह से ब्रेक हो सकता है तो हम लोग क्लास सेवन में ऑलरेडी एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन पढ़े थे एनोरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एबसेंस में होता है और एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो अब अगर पायरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जैसे येस्ट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो ये पायरुवेट इस तरह से ब्रेक होगा इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इथानॉल क्या है ये भी एक कार्बन कंपाउंड ही है जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन आता है वैसे इथानॉल में भी आता है इसके भी बारे में हम लोग फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे सो so, अभी के लिए ऐसे लर्न करना है कि पाइरूवेट बिना ऑक्सीजन के इथानॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है फिर कभी कभी होता है कि ऑक्सीजन कम है जैसे जब हम लोग कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स पायरोवेट ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी ये भी एनरोबिक रेस्पिरेशन में आता है और ये जो लैक्टिक एसिड है यही हम लोगों के मसल्स में जम जाता है जिसकी वजह से बाद में हम लोगों को मसल्स पैप्स होता है मसल्स में पेन होता है इसीलिए जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट डे या फिर थोड़ी देर के बाद क्रैम्प्स होने लगता है दैट इज बिकॉज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था तो ये जो पायरुवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड में हो गया और यही लैक्टिक एसिड एक्यूमलेट हो गया जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो रहा है और अगर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं या नॉर्मली बैठे हैं नॉर्मली चल रहे हैं तो सफिशियंट ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये रिएक्शन होता है कि पायरूवेट ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सो so, ये जो पूरा और इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं यह जो पूरा फ्लो चार्ट है इसको ठीक से लर्न करना है और एक चीज बताए थे जिस तरह से हम लोग रुपया स्पेंड करते हैं मनी के फॉर्म में डॉलर्स के फॉर्म में ठीक उसी तरह से बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और स्पेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी को बोलते हैं एडोनोसाइन ट्राई यही एटीपी पहले तो प्रोड्यूस हुआ फिर यही ब्रेक हो होकर एनर्जी देता है ये चार्ट लर्न करने का जरूरत नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए अगर पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो इसका मतलब ऑक्सीजन लेना होगा तो यही ऑक्सीजन लेने के लिए ऑर्गेनिजम्स को अब अलग अलग जैसे प्लांट्स कैसे लेता है यही ऑक्सीजन को स्टोमाटा से हम लोग कैसे लेते हैं लंग से अगर एक सिंगल सेल है तो वो डिफ्यूजन से भी ले सकता है हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है सेल में कम है तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैस ट्रांसफर हो जा रहा है लेकिन अगर कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो सिर्फ डिफ्यूजन के भरोसे नहीं रह सकते क्यों क्योंकि अगर एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज होगा तो उसके बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स है तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचने में ही सालों लग जाएगा तो इसी वजह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन का ट्रांसपोर्टेशन का इन सबके लिए अलग अलग ऑर्गेन्स डिज़ाइन किया हुआ रहता है ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो सके और एफिशिएंटली एक्सचेंज हो सके फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो टेरेस्टल एनिमल्स हैं जो ज़मीन पर रह रहे हैं वो लोग तो ऑक्सीजन हवा से ले ले रहे हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोग कैसे लेंगे तो पानी में जो कार्बन पानी में जो ऑक्सीजन रिजॉल्व है वो लोग वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं जिससे फिशेज मुँह में पानी भर लेता है और वही पानी जब गिल से पास हो रहा है तो ऑक्सीजन बॉडी में चला जा रहा है और बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पानी में आ जा रहा है फिर वो लोग अपने मुंह से पानी निकाल दे रहा है इस तरह से चलते रहता है और पानी में ऑक्सीजन का क्वांटिटी थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू एयर तो इसी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है यहाँ पर लिखा है सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस देन दैट इन एयर देयर फोर ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्टियल एनिमल्स टेरेस्टियल एनिमल्स क्या करता है ऑक्सीजन ले रहा है लंग्स में लंग्स में बहुत सारा ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स वहाँ से सारा ऑक्सीजन ले ले रहा है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है अब लंग्स में कौन सा गैस भर गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो उसको एक्सहेल करके बाहर निकाल दे रहा है ये बेसिक मैकेनिज्म है अब ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो नॉस्ट्रल्स के हेल्प से नोज में जो दो होल है उसके हेल्प से हम लोग एयर लेते हैं नोज में फाइन हेयर्स होता है छोटा छोटा जो एक्चुअली उस गैस को जो हम लोग एयर ले रहे हैं उसको फिल्टर करता है उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो नोज में रह जाता है और अंदर विंड पाइप में नहीं जाता फिर विंड पाइप में और नोज के पैसेज में भी म्यूकस लगा हुआ होता है एक जल जैसा सब्सटेंस होता है तो ये भी क्या करता है ना डस्ट को अंदर जाने से रोकता है फिर नोज के बाद एयर जाता है थ्रोट में थ्रोट के बाद लंग्स में थ्रोट में इस तरह से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है तो ये हवा को है ना आराम से पास होने देता है अगर एक बार में हवा जाएगा और निकलेगा सारा हवा बाद में निकल जाएगा अगर तो ये कोलैप्स हो जाएगा इस तरह से तो ये कोलैप्सिंग को रोकने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है इस तरह से यहां से वन वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इट एंश्योर डेट द एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स तो हवा नोज में था नेसल पैसेज के बाद वो थ्रोट में आया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से क्रॉस करते हुए इस तरह से वो दो चेंबर में डिवाइड हो गया विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इन टू अब दिख रहा है हम लोगों को कि ये जो एक विंड पाइप था ये किस तरह से छोटा छोटा में डिवाइड होते जा रहा है और फाइनली इस तरह से ये बलून जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो पहले जो ब्रांचिंग हुआ इस ब्रांचिंग को बोलते हैं ब्रोंकाई एक विंड पाइप था इस तरह से वो दो अल जस्ट अ मिनट एक विंड पाइप था जो इस तरह से दो चेंबर में घुस गया फिर यहां पर ये फर्दर डिवाइड हो गया इस तरह से और इधर भी ऐसी ब्रांचिंग हुआ तो इस ये था विंड पाइप अब ये हो गया ब्रोंकी ब्रोंकी अब ये जो एक एक ब्रोंकी है ये बहुत डिवीजन के बाद इस तरह से बलून जैसा स्ट्रक्चर में खत्म हो गया एंड में तो ये जो बलून जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एल्वियोली ओके तो हवा यहां से अंदर घुसा तो इस तरह से है ब्रोंकी के अंदर है धीरे धीरे लास्ट में कहा आएगा एल्वियोली में आएगा तो सारा ऑक्सीजन अभी एल्वियोली में है एलवियोली के आसपास पूरा ब्लड वेसल्स रहता है तो जब हवा एल्वियोली में है ब्लड वेसल्स क्या करेगा वहां से ऑक्सीजन ले लेगा और बदले में ब्लड वेसल्स में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में दे देगा तो इस तरह से गैस का एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली का सारा ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है और ब्लड का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एलव्यूल में आ रहा है तो अब पूरे विंड पाइप में और सब जगह पर कौन सा गैस भर गया पूरे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो ब्लड में चला गया तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम लोग एक्जैल कर देंगे अपनी ही नोज से वापस बाहर निकाल देंगे फिर अंदर में लंग्स का प्रेशर कम जाएगा तो फिर से ऑक्सीजन लेंगे बाहर से फिर इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर कर देंगे तो इसी तरह से ये एक्सचेंज चलते रहता है जैसा कि हम लोग ब्रीदिंग के टाइम पे पहले देखे हैं कि जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं हम लोगों का रिब्स बाहर की तरफ आ जाता है जब हम लोग सांस लेते हैं तब और डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है इसकी वजह से क्या होता है ना चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाता है उसका साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर कम हो गया तो बाहर में प्रेशर ज़्यादा है तो हवा अंदर चला जाता है फिर अंदर इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है और जब एक्जेल करना होता है तो रिबकेज वापस अपने नॉर्मल जगह पे चला जाता है डायफ्राम वापस नॉर्मल प्लेस पे चला जाता है तो इससे क्या होता है चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो अब अंदर बॉडी के प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाहर कम है तो वो हवा सारा बाहर आ जाता है तो ये ब्रीदिंग साइकिल चलते रहता है लेकिन जब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारा हवा बाहर निकाल देते हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ एयर कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहता है दिस इज कॉल्ड रेसिडियल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग अब अगर एनिमल का बॉडी साइज लार्ज होता है तो वही है कि सिर्फ डिफ्यूजन के भरोसे नहीं रह सकते कि एक जगह पे ऑक्सीजन आ गया अब वो धीरे धीरे पूरे बॉडी में डिफ्यूज होगा क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा तो इसीलिए एक रेस्पिरेटरी कैरियर चाहिए जो उस ऑक्सीजन को दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स में जल्दी पहुंचाएगा तो ह्यूमन बींग्स में वो कैरियर कौन है हेमोग्लोबिन है ब्लड है अगर सिर्फ ऑक्सीजन लंग्स में रहता और एक एक सेल लंग्स से ऑक्सीजन लेता तो बहुत टाइम लग जाता लेकिन ब्लड है तो ब्लड क्या कर रहा है विद इन सेकेंड्स वो ऑक्सीजन ले ले रहा है और विद इन सेकेंड्स पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है तो इससे पूरा साइकिल स्पीडअप हो जाता है ब्लड में हेमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और फिर वो पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन